मोदी सरकार एक तीर से दो बड़ा निशाना साधने की तैयारी कर रही है। जी हां, मोदी सरकार एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो अगर सफल हो गया तो इससे एक तरफ पीएम मोदी का 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना पूरा करने में मदद करेगा, तो दूसरी ओर पेट्रोल पर होने वाले 5,000 करोड़ के खर्च को कम करेगा और इससे देश में 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत सस्ती हो जाएगी। दरअसल मोदी सरकार मिथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल लाने की तैयारी कर रही है, इस पर काम भी शुरू हो चुका है। इंडियन ऑयल पहले से ही मिथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल बना रही है जिसमें 15% मिथेनॉल और 85% पेट्रोल होता है। इस फ्यूल पर 65,000 किलोमीटर का ट्रायल रन भी किया जा चुका है। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे में 15% मिथेनॉल मिले हुए पेट्रोल का ट्रायल रन किया जा चुका है। सरकार इस दिशा में जितनी तेजी के साथ कदम बढ़ा रही है उससे लगता है कि देश भर के पेट्रोल पंपों पर जल्द ही मिथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिलने लगेगा। नीति आयोग के मुताबिक 15% मिथेनॉल ब्लेंडेड फॉर्मूले से 2030 तक देश को $100 अरब की बचत होगी।